আজি আহিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম ধুনীয়াকৈ। যোৰহাটত হৈছে বায়ুসেনা প্ৰদৰ্শনী আৰু আপোনালোকক আহিব, চাই থাকিব ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, ভাল লাগিব। আৰু বন্ধুসকল, এই প্ৰদৰ্শনী হৈছে যোৰহাটৰ ষ্টেডিয়ামৰ, আৰু আপোনালোকে যেতিয়া প্ৰথম সোমাই আহিব তেতিয়া আপোনালোকে দেখিব আৰু বহুতো মিছাইল ইয়াত ৰখি থোৱা আছে, যুদ্ধত ব্যৱহাৰ মিছাইল আছে, আৰু তেওঁলোকে বুজাই আছে। NCC গাইডৰ ল'ৰা ছোৱালীও আছে, তেওঁলোকক দেখুৱাই আছে কেনেকৈ কি ক'ত ব্যৱহাৰ হয়, সেইবোৰ সকলোবোৰ দেখুৱাই আছে। আৰু আমি নিজে ওচৰৰ পৰা চাইছোঁ যিহেতু, আৰু নিজৰ এটা সৌভাগ্য বুলি ক'ব লাগিব যে বায়ুসেনাই ইমান ধুনীয়াকৈ ইয়াত প্ৰদৰ্শনী কৰি দেখুৱাইছে কেনেকৈ যুদ্ধক্ষেত্ৰত প্ৰয়োগ কৰে বা যুদ্ধক্ষেত্ৰত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ হয়, সেইখিনি গোটেইখিনি বুজাইছে। আৰু ইয়াত অস্ত্ৰ শস্ত্ৰও কিছুমান আছে, আৰু দেখুৱাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰি যাম। চ' গাইজ, ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিছোঁ এনেকুৱা ৱেপনছ ওচৰৰ পৰা, কাহানিও দেখা নাই, আৰু আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। আৰু বাওঁফালে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে সেনাসকলে কিদৰে NCC গাইডৰ ল'ৰা ছোৱালীসমূহক প্ৰশিক্ষণ দি আছে। আৰু মানে গাইজ, আজি ইয়াত ডগ শ্ব' হ'ব লগতে, সেইখিনি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' বন্ধুসকল, এতিয়া গৈ থাকোঁ বলক ষ্টেডিয়ামখনৰ ভিতৰলৈ, আৰু তাত কি আছে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি যাম। ৱাও, চাওক না কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ হেলিকপ্টাৰ আহিছে ষ্টেডিয়ামৰ ভিতৰত। ৱাও, এইখন চাওকচোন কিমান ধুনীয়া লাগিছে, দেখুৱাম বাৰু আপোনালোকক, ওচৰৰ পৰা দেখুৱাম দেই। কলেজৰ ল'ৰা ছোৱালী আহিছে বেছিভাগ, আৰু এইফালে আপোনাৰ খেল দেখুৱাব অলপ পাছত, মই এইফালৰ পৰা গৈ আছোঁ, আপোনাৰ এইফালৰ পৰা দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি যাম। চ' গাইজ, এয়া আহি পালোহি, চাওক কলেজৰ ল'ৰা ছোৱালী লাইন হৈ আছে, আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে, চাওক এইটো আমাৰ যুদ্ধ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ হোৱা পিষ্টল মেগজিন আছে, এইফালে আপোনাক দেখুৱাব পাৰি, দেখুৱাইছোঁ। নাম কি আহিয়া 7.62 mm 516 আছে রাইফেল দে, এ ইউএসএ কা হে, ঠিক আছে, ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। ইউপিএল ইউপিএল আন্ডার ব্যারেট কি নাম স্যার, ও যে রাইফেল কে নিচে ডালতা হে, মানে 5.5 মিসাস কলম, 51 মোটর বেসিবল স্যার। ইসকা ওয়েট লগভগ কিতনা হোগা স্যার? 10 kg 10 kg। और ये सबका 5.43 kg। हाँ हाँ, ये कहाँ लगता है, ये कहाँ लगता है? दुश्मन को जा ना, हाँ पीछे से लगाना, हाँ हमें मजा नहीं आ रहा, हाँ हाँ उधर नहीं मार सकते। ओके सर, उछल के जा। सर इसका नाम क्या है सर? इसका नाम 81 mm मोटर, हाँ हाँ, रेंज इसका मैक्सिमम 500 मीटर है, हाँ, और ये इनडायरेक्ट फायर करता है सर। इसका भारी कितना होगा, मतलब वेट कितना होगा शायद, साइड वेट कितना होगा इसका? इसका वेट है 40 kg। ओ वाओ, पूरा फुल मोटर का वेट 40 kg। ओके सर, थैंक यू। इसलिए भी दिखा हुआ है आपको, बोर्ड की मिल जाएगा आपको जो भी। तो सर जिसको इसको स्कोप है सर, हाँ हाँ, ओके सर, जिसका 60x तक जूम कर सकते हैं, इसके बहुत दूर तक। कितना दूर जाएगा, मतलब ये लगभग ये 10-12 किलोमीटर तक। हाँ हाँ, और इसका सर एवेंजर, ओके सर, इसका भी 2-3 किलोमीटर तक देख सकते हैं। 2 किलोमीटर नाइट में देख सकते ना, दिन में भी, नाइट में भी, दिन में नहीं नाइट में देख सकते हैं, हाँ, सिर्फ डे में ये। इसका यूज डे में होता है और इसका यूज नाइट में होता है। ओके ओके सर, थैंक यू सर। इस मशीन का नाम क्या है सर? ये बैटल फील्ड सर्वेलेंस सर्वेलेंस, हाँ, इसका इसका काम क्या है? इसका काम है आपका मूविंग टारगेट डिटेक्ट करने का। हाँ हाँ, ओके सर। इधर रहता है, ऑपरेट करते हैं, इसका मतलब अभी ये तो मूविंग हो रहा है, इसका कनेक्ट है ना, इसमें उसका कनेक्ट है, ऑपरेट कर रहे हैं हम, ठीक है। अभी हम यहाँ दिखाई दे रहे हो ना आपको, ये डिग्री है ना, 270 से लेकर 300 तक ये स्कैन कर रहा है अभी। ओके, इसका बीम थोड़ा इफेक्ट करता है हमें, इसलिए मैंने क्या है इधर से मूव कर लिया, अभी इधर से आता, ठीक है। अभी सब रिकॉर्ड इसमें देखते हैं ना, बिल्कुल यहाँ से देखते हैं, अब करते हैं ना।
ठीक है ओके तो बंधुक अपने कहानी नेदेखा बस्तु अपने देखे पासे मोर भिडियोत और जो भिडियो भल लगे लाइक एट कर दी और कमेन्ट के पासे। सर इसका नाम क्या है सर, थोड़ा बताइए सर। इसका मेन रोल है एनडी एयरक्राफ्ट के ऊपर पर करते हैं, मल्टीपर्पज में काम होता है, ग्राउंड रोल में पर होता है और एयर रोल में पर होता है। ओके सर, थैंक यू। दुश्मन के एयरक्राफ्ट रहता है तो फाइटर एयरक्राफ्ट उनको हम पर करते हैं। ओके सर, सर इसका काम क्या होता है सर? ये आईपी का लिंक है, आईपी नंबर अगर डालना इसका वायरिंग 10 किलोमीटर तक है। हाँ, 10 किलोमीटर तक बिना बेसिकल कनेक्शन का। ओके सर, आईपी नंबर से कॉलिंग होता है, वीडियो कॉलिंग होता है, काम कौन कर रहा सब। और इसका ये क्या है आपका बैटरी है? इसका बैटरी है इसकी सब का ना, 12 वोल्ट का कैपेसिटी है, कभी भी चार्ज होगा फिल सर। ये कौन सा मशीन है सर? ये लोकल यूनिट है, यूनिटी बना रखता है 48 बंदे के लिए, आपस में जुड़ा रखता होगा, नेटवर्क कम्युनिकेशन नेटवर्क का हिसाब से है ना। ठीक है ओके सर, ये सब का एक ही है ना सर? काम क्या है थोड़ा बताइए? इकला होना मिस है। हाँ, इसका काम क्या होता है सर? इसका जो है ना, जैसे फाइटर है, हाँ, फाइटर का जो हाइयर रेट से रिलीज होता है ना हीट, हाँ, उसको ऊपर गाइड करके जाता है। हाँ, इसको जहाँ पे क्या पहाड़ी में वगैरह ये बड़ा बड़ा गन, हाँ, आगे नहीं चढ़ा सकते, तो ये आसानी से ऐसे शोल्डर स्ट्रैप से ये जो स्ट्रैप से कैरी करके लेके जा सकते। इसका वेट कितना होगा शायद? वेट 17.05 kg। आसानी से कैरी करके लेके जा सकते। दोनों सेम है क्या? दोनों सेम है, समय फायर करने के लिए लगा है, जैसे दिखता ना नाइट में ऐसे ही, नाइट विजन में ऐसा होता है ना, नाइट विजन। अगर ये लोडेड हुआ तो कितना वेट होगा? लोडेड के साथ ही, जैसे कंप्लीट सिस्टम के साथ, जैसे ये कंप्लीट सिस्टम ये आज जोड़ के 17.05 kg। ओके सर, कंप्लीट सिस्टम के लिए रात के समय हमारे को नहीं दिखता ना, इसके थ्रू लेके। গাইজ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যদি ভাল লাগিছে ভিডিওটো লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকে দেখুৱাই কৰি থাকিব, নিজে গৈ ভিডিওটো চাই থাকক। চ' গাইজ এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱালোঁ ৰাইফলছ, দেখুৱালোঁ গান, দেখুৱালোঁ মিছাইল, দেখুৱালোঁ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ দেখুৱালোঁ আপোনালোকক হেলিকপ্টাৰ, আৰু য'ত আছে হেলিকপ্টাৰ চাওক আপোনালোকে দেখা পাইছে কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ হেলিকপ্টাৰ ৰখাই থোৱা আছে দেখিছে আপোনালোকে। আৰু এনেকুৱা ডাঙৰ হেলিকপ্টাৰ কাহানিও দেখি পোৱা নাছিলোঁ ওচৰৰ পৰা, আৰু আজি প্ৰথম দেখিছোঁ যোৰহাটৰ ষ্টেডিয়ামত, আৰু আপোনালোককো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ময়ো চাইছোঁ, আৰু এইটো এটা সৌভাগ্য বুলি ক'ব লাগিব, ভাল লাগিছে দেখি। যুদ্ধ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ হোৱা হেলিকপ্টাৰ হয় এইবোৰ, আৰু অলপমান দেখিব পাৰিছে চব কিমান মজা লাগিছে হেলিকপ্টাৰখন দেখি দেখিছে ওচৰৰ পৰা দেখিব পাৰিছোঁ, যেনেকৈ দেখিব পৰা নাই ইমান ধুনীয়াকৈ ওচৰৰ পৰা হেলিকপ্টাৰ। আৰু কমেণ্টত কমকৈ জনাব আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ হেলিকপ্টাৰখন। চ' গাইজ হেলিকপ্টাৰখনৰ ভিতৰতো ফটো বা ভিডিঅ' কৰাৰ কোনো এলাউ নাই তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা, আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ মই বাহিৰৰ পৰা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু দেখাই থাকিম, চাই থাকিব আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো। চ' গাইজ এনেকৈ ওচৰৰ পৰা প্ৰথমবাৰ দেখিছোঁ হেলিকপ্টাৰ, আৰু আকাশতো দেখিয়ে থাকোঁ, উৰি গৈ থাকে আকাশত,
কিন্তু ওসর পাতে দেখি একটা সৌভাগ্য বলে কব লাগবে আর এই সৌভাগ্যখান হয়েছে যোরহাটর স্টেডিয়ামত দেখছো খুবই একটা ভাল লগা দৃশ্য আর আজ একটা ভাল লগা দিন আর ইন্ডিয়ান আর্মিক একটা সেলিট দিছ তো আকো এখন আহিল নতুন হেলিকপ্টার ওসর এখন সাক হেলিকপ্টার রখাই থা আছে মজা লাগছে না সার খুবই এখন ধুনিয়া হেলিকপ্টার আসলে এবার যুদ্ধ ক্ষেত্রত মানে ব্যবহার হয় যেবিলাক যুদ্ধ ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় সেবুর হেলিকপ্টার ইউজ করা হয় এবার সব হেলিকপ্টার আর সৌ দূর চক এখন দেখি আপনাদের সৌ হেলিকপ্টারখান রখা আছে এখনো যুদ্ধ ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় সো এখন আপনাদের দেখতে চেষ্টা করি Sure.
अभी आपने देखा किस तरह सोनू ने अपने माता के द्वारा दिए गए हुक्म का कठोरी से पालन किया और उसे निभाया। अब आप देख सकेंगे सोनू द्वारा एक्शन प्ले। यहाँ पर मास्टर अपने स्वान को कोई हुक्म नहीं देते, बल्कि सभी स्वान अपने मास्टर के इशारे को देखकर प्रत्येक एक्शन को पूरा करते हैं। सभी स्वान अपने मास्टर के साथ उनके पीछे पीछे अपने मास्टर के साथ कदम से कदम मिलाकर करते हैं। आपके ये सभी टीचर्स और बच्चों से निवेदन है, थोड़ा दूर हो जाए, आप ज्यादा पास रहेंगे तो डॉग्स भाई भाई आपको टीसी भी करेंगे और आपके लिए भी सेफ्टी ठीक नहीं है। थोड़ा दूर हो जाए, थोड़ा और खुल जाए और हफ्ते कम से पीछे हो जाए। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, मास्टर के बैठते ही सभी स्वान बैठों की कार्रवाई करते हुए, मास्टर के समतल होते ही सभी स्वान समतल की कार्रवाई को आपके समक्ष रखते हैं। मास्टर के लेट ही सभी स्वान लेट की कार्रवाई को आपके समक्ष रख जाते हुए, जैसे ही मास्टर रोल हुए सभी स्वानों ने बखूबी तरह से मास्टर के एक्शन को आपके समक्ष दिखाया। मास्टर के बैठने की सभी स्वान बैठने की अवस्था में आपके समक्ष। सहवान जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से हमारे स्वानों ने मास्टर के द्वारा दिए गए प्रत्येक एक्शन को पूरा किया। आज तक आपने कमल के फूल को झीलों और तालाबों में खिलते हुए देखा होगा, लेकिन आज आप असम राइफल स्वान प्रशिक्षण केंद्र के मैदान में कमल के फूल की आकृति जो कि स्वान द्वारा प्रस्तुत की जा रही है उसे देख सकेंगे। औरों में भी हौसला जगाकर जो लक्ष्य की ओर चलते हैं वही लोग टीचर में कमर की तरह फिरते हैं। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाकर हमारे स्वानों में मनोबल को बढ़ाएं। मास्टर की एक सारे पर सभी स्वान मास्टर की तरफ एक बार फिर बहुत ज़्यादा जल्दी बहुत।
सो गाइस आशा करूँ आपके आज मोर यह भिडिओ चाय भल पासे जो भल लगे लाइक एट और शेयर कर दिया भिडिओ और जिस इंडियन आर्मी भल पाए और इंडियन आर्मी लोग गौरव करें कमेंट लिखक जय हिंद जय भारत और मैं भल पाँ और सेल्यूट दी इंडियन आर्मी क्यों देशों हक काम कर बंधुस आज भिडिओ इमानते सामरी आको नेक्स्ट भिडिओ आपको सकते पा सो आज बाय बाय थैंक यू एंड लव यू अल जय आई।